आइए दोस्तों, यदि आप एक नया स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हैं तो आपके लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है। फ्लिपकार्ट ने एक नई सेल शुरू की है जिसका नाम फ्लिपकार्ट स्मार्टफोन कार्निवाल है। इस सेल में भारी मात्रा में डिस्काउंट के साथ फ्लिपकार्ट अपने फ़ोन को सेल कर रहा है। अच्छा, यह सेल कब से कब तक चलेगी? साथ आपको मन में यह भी सवाल होगा कि किस मोबाइल पर कितना डिस्काउंट मिलेगा। सभी के जवाब हम आपको इस वीडियो में देखेंगे, सो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। तो आप वीडियो को फटाफट एक लाइक कर दीजिए, उसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। आइए आप जानते हैं फ्लिपकार्ट स्मार्टफोन कार्निवाल सेल कब शुरू की गई और यह कब तक चलेगी। आपको बता दें, इस सेल को 2 सितंबर से शुरू किया गया है और 8 सितंबर तक यह चलेगी। यदि आप बहुत कम प्राइस में भारी डिस्काउंट के साथ फ़ोन खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए यह बहुत ही अच्छा मौका है। लो प्राइस में आप स्मार्टफोन खरीद सकते हैं। अच्छा, और एक काम की खबर है, यदि आप आईफोन 12, आईफोन XR जैसे बड़े बड़े स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए भारी डिस्काउंट के साथ यदि आप एक्सचेंज करते हैं तो 15,000 तक का डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। आइए आप जानते हैं किन किन स्मार्टफोन पर कितना डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा, साथ ही एक्सचेंज ऑफर क्या है और हम इसे कैसे बाय कर सकते हैं। तो हम 10 ऐसे स्मार्टफोन के विषय में बताएंगे जिसकी प्राइस हाई से शुरू होती है और लेकिन धीरे धीरे लो प्राइस वाले स्मार्टफोन भी हम बताएंगे। तो फर्स्ट जो स्मार्टफोन है वो है आईफोन 12 मिनी। इसकी पहले की कीमत 69,900 रुपये थी, लेकिन अभी के टाइम इस सेल को 59,999 रुपये में आप परचेस कर सकते हैं। 9,901 रुपये का इसमें डिस्काउंट मिलता है। जो भी मैं स्मार्टफोन बताने जा रहा हूँ उन सारे स्मार्टफोन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल सकती है, आप बहुत आसानी से बाय कर सकते हैं। सेकेंड स्मार्टफोन की बात करें तो आईफोन 12 का जो 28 GB स्टोरेज वाला है उसकी कीमत 66,900 थी, लेकिन 79,999 रुपये मिल रही और 12,901 रुपये का डिस्काउंट आपको इसमें देखने को मिल रहा है। थर्ड स्मार्टफोन आईफोन 11, यह 51,999 रुपये में अभी के टाइम में आपको मिल रहा है। पहले की प्राइस की बात करें तो यह 54,990 रुपये का था, इसमें 2,991 रुपये का डिस्काउंट आपको देखने को मिल रहा है। फोर्थ नंबर का है आईफोन XR। आईफोन XR की पहले की कीमत 47,900 रुपये थी, अभी के टाइम में 42,999 में आपको मिल रहा है। साथ ही यदि आप एक्सचेंज करना चाहते हैं तो 15,000 रुपये तक का डिस्काउंट आपको इसमें देखने को मिल रहा है। अच्छा, डिस्काउंट की बात करें तो इसमें 4,901 रुपये का डिस्काउंट देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा है। फिफ्थ नंबर स्मार्टफोन की बात करते हैं तो वो है रियलमी नार्जो 30 SG। यानी दोस्तों, इस स्मार्टफोन की कीमत पहले 17,999 रुपये की थी, लेकिन अभी के टाइम में 16,999 रुपये है। 1,000 रुपये का हमको डिस्काउंट इसमें देखने को मिल रहा है। सिक्स नंबर स्मार्टफोन की बात करें तो इन्फिनिक्स हॉट 10X, इसकी कीमत 12,999 रुपये की थी, लेकिन अभी के टाइम में 9,499 रुपये में आपको मिल रहा है। साथ ही इसमें एक्सचेंज ऑफर भी है। फिलहाल डिस्काउंट की बात करें तो इसमें अब 3,500 रुपये का डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। अब हम लो प्राइस वाले स्मार्टफोन की बात करें तो पोको M3, इसकी जो पहले की प्राइस थी बहुत ही 11,999 रुपये, लेकिन अभी के टाइम में आपको 10,499 रुपये में बाय कर सकते हैं। इस स्मार्टफोन में आपको 1,500 रुपये का डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। 8 नंबर का स्मार्टफोन पोको C3, इसकी पहले की कीमत 9,999 रुपये की थी, लेकिन अभी के टाइम में 7,499 रुपये में आप इसे परचेस कर सकते हैं। सो इसमें 2,500 का डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। जो भी मैं स्मार्टफोन बता रहा हूँ उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। और भी डिटेल जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई, आप उससे जाकर फ्लिपकार्ट से बाय कर सकते हैं और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। 9th नंबर का जो स्मार्टफोन है उसका नाम है रियलमी C21 Buy। इसकी जो अभी की कीमत है 8,999 रुपये है, पहले के टाइम में 9,999 रुपये में है सेल होता था। इसके डिस्काउंट की बात करें तो 1,000 रुपये का डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। वहीं 10 नंबर का जो स्मार्टफोन है सैमसंग गैलेक्सी F02S, इसकी जो अभी की प्राइस है वो 10,499 रुपये और पहले का सेल 11,499 रुपये का था। आप इसमें भी 1,000 रुपये का डिस्काउंट देख सकते हैं। सो वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए। जो भी स्मार्टफोन आपको परचेस करना है वो डिस्क्रिप्शन में जाके आप बाय कर सकते हैं।